अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तीतर की दुनिया। व्यूवर्स, मैं बार बार वीडियो में बता चुका हूं, बल्कि इस टॉपिक पर ऑलरेडी चैनल पर 2-3 वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ दोस्त, कुछ व्यूवर्स जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब गौर से सुने, वीडियो स्किप करने की कोशिश करोगे तो जाहिरी बात है समझ में नहीं आएगा। जब आपके तीतर चिक्स निकाल लें, वो दाना खाने की कोशिश करेंगे, इधर उधर भागेंगे, ज़मीन पर चोंच मारेंगे, लेकिन 24 घंटे तक आपने उसको कुछ नहीं देना। कुछ जो शौकीन भाई हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उसकी डिवॉर्मिंग करते हैं, थोड़ा सा गुड़ जो है वो पानी में पिलाते हैं, या मार्केट में डिवॉर्मिंग के नाम से बहुत ज़्यादा अद्वियात अवेलेबल हैं, वो इस्तेमाल करते हैं और फिर इसका खुराक दाना पानी जो है वो शुरू कर लेते हैं। अगर आप इसकी सफाई करना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो ना दें, कोई मसला नहीं। इसके बाद पहला खुराक, अगर आप इनको उबला हुआ अंडा छोटा छोटा काट कर खिलाएं तो बहुत बेहतर होगा। अंडा गर्म भी है और नरम भी। तीसरे दिन से आप अंडे के साथ साथ एक टाइम इनको दीमक भी खिला सकते हैं, लेकिन यानी दोनों इकट्ठे नहीं, एक टाइम आप इनको अंडा खिला सकते हैं, दूसरे टाइम आप इसको दीमक खिला सकते हैं। ये दीमक जो है ये आपने तीसरे दिन से इस्तेमाल करना है, बेहतर है। अगर दीमक ना मिले तो 7 दिन तक आप उबले हुए अंडे से भी काम चला सकते हैं। अंडा खिलाने के फौरन बाद पानी इसको ना दें, बल्कि जब आपको लगे कि अंडा जो है वो इनको हजम हो चुका है तब आप इसको पानी पिला सकते हैं। कुछ व्यूवर्स छोटे चिक्स को पानी नहीं पिलाते, ये याद रखें, जिन चिक्स को पानी नहीं पिलाया जाता वो बहुत कम बढ़ोतरी करते हैं या बिल्कुल रुक जाते हैं। अब ये नहीं है कि इस दौरान तीतर के बच्चे कुछ और नहीं खाते, वो सब कुछ खाने की कोशिश करते हैं, इधर उधर भागते हैं, जो कुछ भी उनको मिलता है वो खाते हैं। ये नहीं है कि जंगल में उनके लिए उबले हुए अंडे मौजूद होते हैं, लेकिन हम अच्छे और सेहतमंद ब्रीड के लिए ये कोशिश करते हैं। और हाँ, एक बात, कुछ व्यूवर्स जो है उनको बाजरा खिलाते हैं, तकरीबन 2 माह तक या 4 माह तक आपने अपने तीतर के चिक्स को बाजरा बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए। वो खाते भी हैं, शौक से भी खाते हैं, लेकिन आपने इसको खिलाना नहीं है। क्यों, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो हम अंडा और दीमक इसलिए 7 दिन तक इस्तेमाल करते हैं, या दीमक के अलावा सिर्फ अंडा इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि इनकी सेहत अच्छी हो और जल्द बढ़ोतरी करें। 7 दिन के बाद आपने कौन सी खुराक देनी चाहिए, इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।